चंडीगढ़ से बड़ी खबर, करोड़ों के शराब घोटाले का मामला सामने आया है और इसमें गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनीपत के शराब घोटाले की जांच की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री ने मुझसे इस पर कोई बात नहीं की है। राकेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पूरी खबर विस्तार से समझाएं ताकि दर्शकों को समझ आए कि यह पूरा घोटाला क्या है। चले, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। घोटाले को लेकर के एसआईटी का गठन किया जाएगा, ये अनिल विज ने कहा है। फतेहाबाद और पानीपत में भी शराब घोटाले हुए हैं और मामले में कल एसआईटी का गठन कर दिया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करोड़ों के शराब घोटाले का मामला, गृह मंत्री अनिल विज का इस पर बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आग्रह करना तो दूर, डिप्टी सीएम ने इस पर कोई बात तक नहीं की है। किस संदर्भ में उन्होंने टारगेट किया उप मुख्यमंत्री को, ये जानना बाकी है। और किस तरह से ये शराब की कालाबाजारी चल रही है, ये भी सवाल बने हुए हैं। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए हमारे साथ। राकेश गुप्ता, एक बार ये पूरा मामला सविस्तार समझाएं ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए कि ये पूरा घोटाला क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही सोनीपत में जो एक मामला सामने आया है, जहां पर ये चोरी की जो शराब पुलिस और एक्साइज विभाग पकड़ता है, वहां पर जो है उस गोदाम से चोरी हुई है जी। ये गोदाम जो है एक चंडीगढ़ के भूपेंद्र सिंह जो है उनका है, उनके खिलाफ पहले से 8-10 मामले हैं। और ये इस गोदाम की जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है और ये जमीन भूपेंद्र सिंह की पत्नी के नाम है। घोटाला यहीं से शुरू होता है। इस मामले की जांच के लिए गृह मंत्री ने एसआईटी का गठन किया है ताकि इस मामले की जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें नए नए मोड दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। इस तरह के ही मामले जो हैं, जो गोदामों में चोरी होने की, यानी कि जो पकड़ी हुई शराब है उनके गोदामों से शराब चोरी होने के मामले फतेहाबाद सोनीपत के साथ साथ पानीपत से भी सामने आया है जी। तो अब कुल मिलाकर इसकी जांच पड़ रही है। इस जांच को लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने आग्रह किया है गृह मंत्री से कि इस मामले की जांच करें और इसे जो है दोषियों को दोषियों इसमें जो है पकड़ा जाए। लेकिन आज अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बात की, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे जो उप मुख्यमंत्री ने कोई मांग नहीं की, उन्होंने ना ही केवल जांच की बात की। ठीक है राकेश, इस पर किसकी बात को फिर सच माना जाए, क्योंकि इधर से उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आग्रह किया गया है और उधर साफ अनिल विज कह रहे हैं कि आग्रह करना तो दूर, डिप्टी सीएम ने बात तक नहीं की है। देखिए, डिप्टी सीएम से अभी बात नहीं हुई है, वे शहर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिप्टी सीएम से पहले बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि आग्रह किया है। अब गृह मंत्री अनिल विज से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, आज शाम तक उच्च स्तरीय जो है जांच कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, जिसमें जो सीनियर ऑफिसर लिए जाएंगे, जिसमें एक पुलिस का अधिकारी होगा, एक एक्साइज का होगा और एक सिविल अधिकारी होगा। उन्होंने साफ कहा कि यदि इसमें कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, जिसने यहाँ तक कहा कि जो एक्साइज के जो गोदाम है, एक्साइज वालों ने उनकी जो पुलिस को वो रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई है, जबकि पुलिस ने अपने तौर पर, क्योंकि पुलिस का ये गोदाम था, एक्साइज जब रिपोर्ट लिखवा दी है तो वहाँ पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस अपने आप एक्साइज के मामलों में कार्रवाई नहीं करती है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक्साइज को चाहिए कि वह इसकी जांच करवाएं। तो कुल मिलाकर जो है ये मामला काफी बड़ा है। लॉकडाउन के दौरान आप जानते हैं कि लगातार जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया है, क्या इस टीम का हाथ उन तक पहुंच पाएगा, क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो सीलबंद किया गया था और वहां से इतनी शराब चोरी हुई है, तो क्या ये टीम सफलता हासिल कर पाएगी इसमें
और सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अनिल विज ने भी ये कहा है कि बिना पुलिस के मदद के या मिलीभगत के और एक्साइज की बिना मिलीभगत के ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। अब क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो भविष्य के गर्भ में है कि क्या हो पाएगा, लेकिन आमतौर पर यदि ये भी कहा जाता है कि यदि पुलिस चाहे तो कब्र से भी मुजरिम को निकाल लेती है। तो बहरहाल अभी SIT का गठन जो है की घोषणा हुई है, आदेश हुए हैं, कौन कौन अधिकारी इसमें आते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं ठीक है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जो FIR है, हाँ, ADGP स्तर के अधिकारी जो मनोज खीरवार हैं, हाँ, उन्होंने स्वयं जो है दर्ज की है, अपने हाथ से उसकी जो पुलिंदा लिखा है, क्योंकि खीरवार जो है हरियाणा में जो एक ऑनेस्ट पुलिस अफसरों में जाने जाते हैं, हाँ तो इस सबको लेकर जो है पुलिस गंभीर है, क्योंकि पुलिस के गोदाम से चोरी का सामान क्योंकि चोरी हो कहीं ना कहीं जाना। अब पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रमन मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन मलिक, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, करोड़ों की शराब घोटाले का मामला है, 2019 में सील बंद किया गया था सोनीपत में, जो पूरा इलाका सील बंद किया गया था, वहां से शराब की चोरी हो जाती है SHO की देख रेख में, लेकिन उस पर जरूर कार्रवाई हुई है। अगर बात करें गृह मंत्री अनिल विज की, वो ये कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने इस पर मुझसे कोई बात तक नहीं की, तो ये क्या इशारा समझा जाए? को मत समझिए, काम को समझिए, इशारे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। काम बोल काम है, वो काम हो जाएगा जो काम करना है। सरकार किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार किसी के माध्यम से भी किसी भी जगह पे बर्दाश्त नहीं करती, ये सारे हरियाणा को पता है। और एक ये अब बन गया है हरियाणा के अंदर कि सरकारें भ्रष्ट नहीं है, ये एक मानस जो है ये हरियाणा के लोगों को आ चुका है दिमाग में कि पहले जैसे था कि सरकारें सिर्फ भ्रष्ट हो सकती हैं, वो अब दिमाग से निकल गया लोगों के। वो ये कहते हैं सरकारें भ्रष्ट नहीं, सरकारें काम कर सकती हैं। तो आप रुकिए, देखिए इसके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई उपेक्षित है वो होगी। ठीक है रमन मलिक जी, जो एरिया सील बंद कर दिया गया था वहां पर पुलिस की देखरेख में शराब की चोरी हो जाती है, जब लॉकडाउन था, शराब के ठेके बंद थे, तब भी शराब खूब बिकी, इस पर क्या आपका रिएक्शन है? देखिए ऐसा तो नहीं है कि ताले बनने से चोरियां खत्म हो गई, ताले तो सदियों से हैं, चोरियां भी हुई, चोरों ने चोरियां भी करी, लेकिन फर्क यह आता है कि कौन उसको कितनी मुस्तैदी से पकड़ता है, वही देखने वाली बात है। आप देखिए जो भी गलत होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि, और वो बिल्कुल माना भी जा रहा है कि सरकारें जो हैं वो भ्रष्ट नहीं रही हैं ज्यादातर राज्यों में, और अगर पुलिस के देखरेख में शराब चोरी होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं क्यों नहीं खड़े होंगे, तो ये सवाल जनता सरकार से ही जानना चाहेगी। बिल्कुल जानना चाहिए और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तो वो तफ्तीश बिल्कुल होगी और हर काम होगा क्यों। और एक चीज और आपको याद करा दूं कि अब जो गृह मंत्री हैं वो चीजें बड़ी आराम से ले लें ऐसे नहीं है, ठीक है, उनको अगर कोई चीज सामने दिख जाती है तो फिर वो उसकी तह तक जाते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं वो अपना इंतजाम जल्दी कर लें कि उन्होंने कहाँ जाके संन्यास लेना है। बिल्कुल, ये छवि लगातार गृह मंत्री अनिल विज की मीडिया में भी दिखाई दी है। हमारे साथ JJP से अजय गुलिया जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, धन्यवाद। जब सोनीपत में शराब घोटाला मामला सामने आया और इसके बाद एक के बाद एक शहरों में ये मामला सामने आ रहा है जहां पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, ऐसे में कुछ पत्रकार जब सवाल पूछते हैं गृह मंत्री अनिल विज से, वो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि गृह मंत्री महोदय ने किस संदर्भ में बात की, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब जो एक मीटिंग हाई लेवल की मीटिंग हरियाणा प्रदेश की हुई थी उसमें स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश के गृह मंत्री महोदय मौजूद थे, उसके अंदर ये सब चर्चा हुई थी कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए अनिल विज जी
तो जैसा अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने भी कहा, अनिल विज तो चर्चित हैं और एग्रेसिव हैं, हमेशा से ही इस प्रकार की उनकी छवि रही है कि वो दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं। और स्वयं दुष्यंत चौटाला जी ने भी ये कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर हो सकता है कि बयान में थोड़ा उनके बयान में और दुष्यंत जी के बयान में फर्क, लेकिन मकसद है और एक ही है कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। और जिसने भी हरियाणा प्रदेश के संसाधनों पर डाका डाला है और ये गैरकानूनी काम जब आप बंद थी और जो भी जिस प्रकार का कोई काम हुआ है, उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और चाहे कोई कितना भी बड़ा, चाहे कोई उसमें अधिकारी है, चाहे कोई बड़ा और नाम है, सबके ऊपर कार्रवाई करके दूध का दूध और पानी का पानी करके दोषियों को सजा दी जाएगी। एक सवाल मैं आपसे ये भी रखना चाहती हूँ, जिस तरह से सोनीपत के खरखोदा में लाखों रुपयों की शराब गायब हुई थी, गोदाम में अवैध शराब को रखा गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वहां से शराब की सप्लाई होती रही, ये किसकी देखरेख में हो रहा था? क्या सरकार को इसका इल्म नहीं था? नहीं, देखिए कीर्ति जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि क्राइम को रोका जाए और ये भी एक क्राइम है, लेकिन अगर कहीं किसी की चूक है, चाहे वो आधिकारिक स्तर पर है, तो उस अधिकारी की पहचान करके, देखिए बिना जांच के किसी भी चीज के नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी जब जांच होगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी गई, जो जांच में सामने आएगा, ये मैं आपको श्योर रेस्ट श्योर कर देता हूँ कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, जो भी सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आश्वासन दे रहे हैं तो हम इसी को सही मानते हैं। रमन मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। घोटालों को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है और गठबंधन की सरकार ये कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।